अलावा माँ भवानी से कहने लगे, देवी इसीलिए भगवान राम ने केवट से नाव मांगी। मेरे भैया, भोले बाबा ने माँ भवानी को पहले प्रश्न के चार कारणों के सहित भगवान राम की कथा को सुनाया। भवानी के लगी, महाराज पहले प्रश्न का तो उत्तर मिल गया, लेकिन अब दूसरे प्रश्न का उत्तर बताइए। महाराज दूसरे प्रश्न का उत्तर बताइए, दूसरा प्रश्न क्या है कि केवट भगवान राम के नाव मांगने पर केवट नाव क्यों नहीं ला रहा है? आज भगवान राम कहते हैं, भैया जरा अपनी नाव हमारे पास ले आओ, केवट कहता ना महाराज मैं नहीं आऊंगा। भगवान कहते क्यों नहीं आओगे? अरे तुम्हारा तो काम है सबको पार उतारना, तो हमें भी पार कर दो। केवट ने कहा सबको पार कर दूंगा महाराज, पर तुम्हें नहीं पार करूंगा। सबको पार कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, पर आपको पार नहीं करूंगा। तो भगवान बोले क्यों, हमें क्यों नहीं पार करोगे? अरे हमसे भी जो उतराई लेना चाहो सो ले लेना। बोले महाराज बात उतराई की नहीं है, बात उतराई की नहीं है, हम आपको पार नहीं करेंगे। भगवान बोले क्यों, बात क्या है? तो केवट बोल पड़ा, क्या बोला? ए भैया जरा ध्यान दे, एक भक्त भगवान से क्या कहता है कि मैं ना उतारो पार, मैं नहीं लाऊंगा अपनी नाव। अरे मैं ना उतारूं पार पद रज धोए बिना, प्रभु मैं ना उतारूं पार पद रज धोए बिना, प्रभु मैं ना उतारूं पार पद रज धोए बिना, प्रभु मैं ना करूंगा तो एक शर्त पर। भगवान बोले कौन सी शर्त है? बोले शर्त यह है, जब तक आपके चरण नहीं धोलूंगा तब तक अपनी नवैया पर नहीं बिठाऊंगा। या तो आप पहले चरण धुलाओ तो हमारी नाव पर बैठो, अन्यथा मैं आपको नहीं बिठाऊंगा। भगवान बोले क्या तुम्हारे घाट का नियम है कि अगर कोई तुम्हारे घाट पर आवे तो तुम पहले उसके चरण पखारोगे, उसके बाद में उसे पार उतारोगे? केवट ने कहा महाराज सबके लिए नियम नहीं है, पर आपके लिए नियम लागू है। आपके जब तक चरण नहीं धोलूंगा तब तक नाव पर महाराज नहीं बिठाऊंगा। या तो चरण धुलाओ तो नाव पर बैठो, और ना धुलाओ तो महाराज जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं। ए भैया, भगवान राम ने जब इतनी बात कही तो लक्ष्मण राम ने जब सुना तो लक्ष्मण कहने लगे, भैया ये तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, ये तुम्हारी बात नहीं मान रहा, तुम भैया भैया कर रहे हो और ये आपकी बात नहीं मान रहा। तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण गलती इसकी नहीं है, गलती इसकी नहीं है, अरे हमारी शुरुआत ही बिगड़ गई तो अब तो ये भी बिगड़ेगा।
हमारी तो शुरुआत ही बिगड़ गई। लक्ष्मण ने कहा मैं कुछ समझा नहीं। बोले समझना क्या है ये बताओ, 14 वर्ष का वनवास किसको मिला था? लक्ष्मण ने कहा भैया आपको मिला था। बोले फिर तुम काहे को आए? हमने तुमको मना किया? बोले हाँ मना किया। बोले फिर तुम माने हमारी बात? लक्ष्मण ने कहा नहीं माने। बोले तुम हमारे साथ चले आए? बोले हाँ हमारा चले आए। तो बोले जब तुम भाई होकर के बात नहीं माने तो ये कैसे मान जाएगा, ये कैसे मान जाएगा? सीता जी से बोले भगवान राम, ए सीता बताओ 14 वर्ष का वनवास किसे मिला? बोले महाराज आपको मिला। बोले तुमने आने की जिद की, हमने तुम्हें मना किया, तुम मानी? सीता जी बोली नहीं मानी। तो बोले जब तुम नहीं मानी तो यूं कहां मान जाई? अरे हमारी तो शुरुआत ही बिगड़ गई, तो अब तो ये भी नहीं मान रहा है। लक्ष्मण चुप हो गए, सीता जी भी चुप हो गई। राम बोले देखो लक्ष्मण, अब हमें ही किसी प्रकार से इससे बात करने दो और तुम बीच में मत बोलना, क्योंकि अगर तुम बोले तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए तुम तो कतई बोलना ही नहीं, हम तो अपने हिसाब से इसको मना लेंगे। लक्ष्मण बोले ठीक है हम नहीं बोलेंगे, मनाओ अपना जैसे मन चाहे वैसे मनाओ। तो भगवान राम केवट से बोले भैया, लक्ष्मण जी बोले मान गया, भैया कहने से मानेगा। भगवान बोले फिर हमने तुमसे कहा मत बोलो, फिर तुम बोले? अच्छा ठीक प्रभु अब नहीं बोलेंगे। केवट से भगवान राम ने कहा भैया जरा अपनी नाव ले आओ। केवट ने कहा प्रभु नहीं ला सकता महाराज, नहीं ला सकता। अरे या तो हमारी आप बात मान जाओ तो हम ले आएंगे, अन्यथा महाराज नहीं लाएंगे। भगवान राम कहने लगे भैया बहुत दूर जाना है। केवट ने कहा चाहे जितनी दूर जाना हो हमसे क्या मतलब है, हमसे क्या मतलब, हमारा काम तो केवल पार उतारना है, बल्कि उसके मार्ग को तय करना थोड़ी ना, कौन कितनी दूर जाएगा कौन कितनी दूर नहीं जाएगा, इससे मेरा क्या मतलब, मेरा मतलब तो पार करने का है। तो बोले वही तो हम कह रहे पार कर दो। केवट ने कहा वही तो हम भी कह रहे चरण धुला लो तब पार कर दे। भगवान बोले क्या? ओ मल्हा अरे देर क्यों करी है भैया, मल्हा देर क्यों करी है, खेई के लगाए दे पल्ली पार है। ए भैया देर क्यों करी है, खेई के लगाए दे पल्ली पार है। जंगल को जाए मेरे भैया,
कहते भगवान राम के भैया ऐसा करो अपने नाव ले आओ, मुझे आगे बहुत दूर जाना है, मुझे अपनी नाव पर बिठा के पार कर दो। केवट ने कहा प्रभु हम भी तो तुमसे कुछ कह रहे हैं, तुम हमारी मान लो, हम तुम्हारी मान ले, काहे को झंझट हो। और महाराज आप हमारे घाट पर खड़े हो, दूसरी सवारी भी हम पार नहीं कर सकते, हमारा घाटा हो रहा है और हमका महाराज एक सहारा है। तो या तो महाराज आप चरण धुलाओ, हमारी नाव पर बैठो, पार हो जाओ, और या फिर महाराज आगे बढ़ के देखो। भगवान बोले वाह आज तो कंडीशन बड़ी खराब है, आज तो बड़ा मामला टेढ़ा है, ये तो पार नहीं करने वाला, हमें तो ऐसे ही लग रहा है। केवट ने कहा सुनो महाराज, महराम वैसे आपको विश्वास नहीं होगा ना, इसलिए हम तुम्हें कुछ सबूत दे दे। क्या बोला केवट, महराम राउरी आने दशरथ शपथ सब साची हो, महराम राउरी आने दशरथ शपथ सब साची हो, महराम सब साची कहा। और जैसे इतनी बात कही केवट ने, प्रभु मुझे तुम्हारी सौगंध और तुम्हारे पिता राजा दशरथ की सौगंध जब तक पैर नहीं धुलूंगा महाराज अपने नाव पर नहीं बिठाऊंगा। और जैसे इतनी बात कही तो लक्ष्मण को क्रोध आ गया। भैया लक्ष्मण को क्रोध आ गया, लक्ष्मण ने विचार किया अरे हमारे भाई की कसम खाई तो खाई, हमारे पिता को भी नहीं छोड़ा, अब तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। तुरंत धनुष पर बाण चढ़ा लिया, और जैसे धनुष पर बाण चढ़ाया तो केवट ने कहा यू सब धर दो याग पांजा, इका डर ना परा ही, और ज्यादा अगर दिखाओगे ये कड़ी ना तो ठाणे रहोगे यहीं, और अपनी पूरी पार्टी से हम कह देंगे जितने भी यहाँ पर केवट भाई हैं उन सबसे कह देंगे तो महाराज कोई तुम्हें पार नहीं करेगा। इसलिए यह हेगड़ी अयोध्या में दिखायो हुआ न दिखायो श्रृंगवेर पुराए वारे भक्त, यानी आज भगवान को डांट रहा। भैया भगवान को डांट रहा, शेषावतारी महाराज लक्ष्मण को डांट रहा। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण कहो तुम्हारे हाथ जोड़ ले,
जितना हम बनाए पाई थे बत्ता तुम बिगाड़ के धर देते, जितना हम हाथ गुआर जोड़ के बनाए पाई थे बत्ता तुम बिगाड़ डालते। तो ऐसे करो भैया हम एक निपटे दो, तुम तनी न बोलो तो का नहीं बनी न बोलो। लक्ष्मण ने कहा भैया सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। तो भगवान बोले या तुम्हारे भूल है, टेढ़ कर दिया हो तो बिल्कुल नहीं निकली, सीधी में भले नहीं करी आओ, टेढ़ी में तुम कतई नहीं निकली, क्योंकि अब केवट की बात को तुमने सुन लिया है। इसलिए भैया थोड़ी हमारे पर तुम रहम करो, तुम न बोलो, अपना धनुष बाण लेके पीछे खड़े रहो, तुम न बोलो। अगर तुम बोलोगे तो सारी बात बिगड़ जाएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लक्ष्मण ने कहा ठीक है नहीं बोलेंगे, लेकिन इससे कह दो कोई उठपटांग बात मत कहे। भगवान राम ने कहा गर्ज तुम्हारी है तो सुन ले, का दिक्कत है, तुम्हारी गर्ज है ना पार करने की, तो वो जो कह रहा उसकी सुनो, उसकी गर्ज थोड़ी है। लक्ष्मण तुम मत बोलो, शांत खड़े हो जाओ। लक्ष्मण खड़े हो, ठीक है भाई अब तो तुम्हें बात करो। केवट ने कहा महाराज ये बार बार धनुष बाण हमको दिखाते हैं, हम इससे नहीं डरते महाराज, और रही बात पार करने की तो महाराज वैसे चाहे पार कह दे, लेकिन अभी ज्यादा ऐठन बना रहते हैं तो अब महाराज पार नहीं कर। भगवान राम ने लक्ष्मण की ओर देखा, बोले भैया सब पानी फेर दियो हमारे मेहनत पर, सब फिर गया पानी, जितने देर हमने बनाई सब पानी फेर दिया। भगवान बोले भैया छोटा है इसे ऐसे कहने दो, कोई बात नहीं, हम तो कुछ नहीं कह रहे। केवट ने कहा हाँ, एक बढ़िया प्रेम से बोले और एक मोर काटे तैयार हो जाए। दूसर कहा कि हाँ हम तो कुछ नहीं कहे थे, वारे प्रभु। अरे इनको पहले शांत करो। भगवान ने लक्ष्मण को शांत कर दिया, लक्ष्मण तुम मत बोलो, भैया मुझे पार कर दो। केवट ने कहा प्रभु सुनो, मुझे तुम्हारी सौगंध और तुम्हारे पिता राजा दशरथ की सौगंध, जब तक महाराज चरण नहीं धो लूंगा अपनी नाव पर नहीं बिठाऊंगा। और सुनो केवल तुम्हें ही नहीं, ये जो नाइट रहे तुम्हें ही नहीं, तब लगिन तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतार। तुलसी तू माने तुमको, ला माने लक्ष्मण को और सा माने सीता को, तुम तीनों में से मैं किसी को भी अपने नाव पर चरण नहीं रखने दूंगा महाराज, जब तक आपके चरण नहीं धो दूंगा। भगवान बोले तब नहीं, अब ठीक रहा, अब ठीक रहा। केवट ने कहा प्रभु अच्छा पार जाना चाहते हो? भगवान हंसने लगे, तुम वही तक जाने नहीं पाए हो। केवट ने कहा प्रभु आप पार जाना चाहते हो? तो भगवान ने कहा मुझसे कुछ और न कहने तो फिर ऐठ जाएगा। तो बोले हाँ भैया हम पार ही जाना चाहते हैं, हम पार ही जाना चाहते हैं। तो केवट ने कहा अच्छा महाराज तो आप पार जाना चाहते हो तो सुनो। भगवान ने कहा सुनाओ भैया, सुनने के लिए तो खड़े हैं, सुनाओ। केवट ने कहा सुनो महाराज, तुम ता चाहत पार जवैया, अरे आए हम कामे सत्यानाश करने कैसे आया? अरे मैं तो पार जाना चाहता पर तुम्हारा सत्यानाश कैसे हो जाएगा? केवट ने कहा सुनो महाराज आप तीन लोग हो? भगवान बोले हाँ हम तीन लोग हैं। तो केवट ने कहा सुनो महाराज तीन टका, ए महाराज आप तीन लोग हो, तीन टका उतरा हो महाराज, सुन लो मेरी बात। क्या बोला केवट? तीन टका उतराई महाराज, अवध सुनाथ पैरा कर ली, तीन टका देकर के आप पार हो जाओगे लेकिन मेरा रथ से बैर हो जाएगा। जब महाराज दशरथ को पता चलेगा क्या यही कहीं दशरथ बलधर, प्रभु यही कहीं दशरथ बलधर, केवट ने गयो पार उतार। I'm not afraid.
जाकर के उनको पार कर दिया तो महाराज क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे महाराज दशरथ। जो केवट ना पार लग महाराज, यही सोचेंगे महाराज दशरथ क्या। जो केवट ना पार लग साई की राम लौट घर है महाराज, इसलिए पाछरी लौट जाओ भगवान। लक्ष्मण बोले अच्छा पाछरी लौट जाओ भगवान, मांगी न पाओ न केवट बनाना, मांगी न पाओ न केवट बनाना, मांगी न पाओ न केवट भगवान की। महाराज अगर महाराज दशरथ को पता चल गया कि केवट ने हमारे पुत्रों से तीन टका लेकर के पार कर दिया तो महाराज अयोध्या से हमारा बैर हो जाएगा, अयोध्या से बैर हो जाएगा। महाराज दशरथ यही सोचेंगे कि अगर केवट ने पान ना किया होता तो शायद हमारे राम वापस लौट ना आगे जाते, इसलिए महाराज पाछे लौट जाओ भगवाना और मांगी नाओ न केवट। भगवान शंकर माँ भगवती से कहने लगे देवी इसीलिए केवट नाव नहीं ला रहा है। भवानी बोली महाराज और कोई कारण, तो कहने लगे भोले बाबा हाँ देवी दूसरे प्रश्न का दूसरा कारण सुनो। क्या बतलाया? केवट कहने लगा महाराज एक बात कहें। भगवान ने कहा भैया तुम्हारे घाट पर खड़े हैं, चाहे एक बात कहो चाहे चार बात कहो, गर्ज हमारी है सुनना तो पड़ेगा। बोलो क्या कहना चाहते हो? जिस समय इतनी बात कही तो केवट कहने लगा सुनो महाराज। केवट कहई सुनो रघुराई, No.
भाई सुनो रघुराई एक जात के हम तुम भाई। और जब इतनी बात कही तो लक्ष्मण से नहीं रहा गया, उठा लिया धनुष पर बाण चढ़ा लिया, तान के बोले अब महाराज नहीं छोड़ेंगे पार हो और जाए घर बैठ रहा, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे। अरे कहां हमारा भैया सूर्यवंशी छत्री ठाकुर और कहां ये जात का मल्ला, ये कहता हमारी तुम्हारी जात एक है भैया, कुछ बालम नहीं का वह हम बताए दे। भगवान बोले लक्ष्मण शांत हो जाओ, इसकी बात को सुनो, ये कहता क्या है, तुम तो बात बात पर उखड़ जाते हो, बात बात पर उखड़ जाते हो, अरे इसकी बात को तो समझो, इसकी बात की गहराई को समझो, ये सत्य कह रहा है, ये सत्य कह रहा है। तो लक्ष्मण ने कहा प्रभु भैया तो खाली हम है छुपाए रहे का मतलब तुम वास्तव में केवट आओ का, हम हो सिया बात छुपाए के रखो महाराज, हम हो ना बता। भगवान बोले लक्ष्मण हम केवट है नहीं लेकिन इसकी बात भी सत्य है, अब ये आगे कहे तब तो सुनाओ कि तुम तो बस एक ही बात सुन ले तो मारे धनुष पर बाण चढ़ाए बैठे। अरे इसकी आगे की बात तो सुनो, ये कहता क्या है, इसकी पूरी बात सुनो पहले। लक्ष्मण ने कहा कहो तो चले और कहो तो ही तो दूर बैठे, क्योंकि हमसे ये सुना सुना नहीं जी, जो बात है नहीं महाराज वो बात ये कह रहा है, कैसे मान ले हम। तो केवट ने कहा अच्छा बड़े छत्री ठाकुर हो तो सुनो, हम हो केवट तुम्हारी भैयो केवट। भगवान से केवट ने कहा प्रभु बोलो केवट हो कि नहीं, भगवान न सक रहे तो कहां चले जाएं। बोले हाँ भैया तुम्हारी बात सत्य है मैं केवट हूं। केवट ने लक्ष्मण से कहा सुने हो अपने मोह सखर रहे कि ये केवट है, तुम मार कहे धनुष पर बाण चढ़ाए घूमत और तुम हो तो इनके भाई आओ तो कुछ नहीं करते हो तो सवारी तो ढोते हो। आज केवट कहने लगा प्रभु हमारी तुम्हारी जात एक ही है, तुम भी केवट हो और मैं भी केवट हूं, लेकिन सुनो अंतर हो गया महाराज, थोड़ा अंतर हो गया। लक्ष्मण से कहा चुप बैठो सुनो हमारी बात, अंतर हो गया क्या, हम केवट सुर सर के और आप भवसागर के केवट हो, लेकिन हो तो महाराज केवट हो तो केवट ही, और सुनो अंतर हो गया क्या, नथ काठ की नाव हम, महाराज हमारी नवैया लकड़ी की, सुनो महाराज प्रभु धर्म की नाव तुम्हारी, हमारी नाव धर्म की हमारी नवैया लकड़ी की, और अंतर है हमारे आप में, क्या अंतर है सुनो महाराज, हमरे घाट जीव जो आए भरा बैठ नाव पर पार लगा, तुम्हारे घाट पर ऐसा नहीं होता हमारा, तुम्हारे घाट पर ऐसा नहीं होता, क्यों तुम्हारे घाट पर क्या होता, तुम क्या करते हो, तुम्हारे घाट जीव जो जाए वो सहज कहां उतरना नहीं जावे, करते क्या हो कर्म शुभ शुभ देखत सारा, कर्म शुभ शुभ देखत सारा, खाता जन्म जन्म के पाती, खाता जन्म जन्म के पाती, खाता जन्म जन्म के आसानी से पार हो जाता, टका उतराई होता, लेकिन तुम्हारे घाट पर जो प्राणी जाता वो आसानी से पार नहीं हो पाता, क्यों तुम करते क्या हो, उसके कर्मों को देखते हो कि इसने कितने कर्म अच्छे किए हैं और कितने कर्म बुरे किए हैं, जो जैसा होता है जिसके जैसे कर्म होते हैं महाराज उसको उसी हिसाब से आप पार करते हो। लेकिन महाराज एकदम धीमे स्वर में बोल पड़ा, एक दिन मुझे भी तुम्हारे घाट पर जाना है,
लक्ष्मण ने कहा तो गिरगिटो को फेल कह दे। अब भैया गलत घूमत रहे, अब तो बड़े नॉर्मल शब्द में बात करने लगा। केवट ने कहा प्रभु एक दिन मुझे भी तुम्हारे घाट पर जाना है, और जब मैं तुम्हारे घाट पर जाऊंगा तो गए घाट हम नाही उतरी, मुझे भी तुम्हारे घाट पर जाना है, और जब हम तुम्हारे घाट पर जाएंगे तो आप मुझे भी पार करो। प्रभु गए घाट हम नाही उतरी हो, अपने घाट पर झगड़ा करी हो, अपने घाट पर इसलिए सुनो महाराज, अभी तो बड़े ही धीरे शब्दों में बोल रहा, बड़े दुखी शब्दों में बोल रहा, और एकदम बोल पड़ा, सुनो महाराज मैं भी तुम्हारे घाट पर जाऊंगा, मुझे पार नहीं करोगे, अपने घाट पर लड़ाई करोगे, इसलिए महाराज या नहीं निपटी ले वो भगवान। लक्ष्मण ने कहा वाह, या नहीं निपटी ले वो भगवान, मांगी ना केवट निपट लिया जाए, वहां का कोई काम न रह जाए, वहां का कोई हमारा आपका हिसाब न रह जाए, आप हमें पार कर दो और हम आपको पार कर दे, वहां का कोई झंझट न रह जाए महाराज। भगवान ने कहा वाह बहुत अच्छी बात कही। लक्ष्मण ने कहा भैया देखा तुमने, अभी ये हाथ जोड़े था और बड़े दुखी स्वरों में कह रहा था कि एक दिन मुझे भी तुम्हारे घाट पर जाना है, और उसके बाद एकदम आकड़ के कहता कि यहीं ही निपट लो महाराज, अब बताओ इसका कोनो भरोसा है। भगवान तो केवट की बात समझ रहे, एक भक्त की बात को समझ रहे, इसने कहने लगे लक्ष्मण तुम ना बोलो, तुम ना बोलो, हमें ही बात करने दो। केवट ने कहा इधर भगवान शंकर माँ भवानी से कहने लगे देवी, इसीलिए केवट भगवान राम के पास अपनी नाव नहीं ला रहा है। भवानी ने कहा महाराज कोई और कारण? भोले बाबा ने कहा देवी दूसरे प्रश्न का तीसरा कारण सुनो। तीसरा कारण क्या था? केवट ने कहा महाराज एक बात और कहना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कहो भैया क्या कहना चाहते हो? केवट ने कहा सुनो महाराज हमने अपने कानों से कुछ तुम्हारे विषय में सुना है। तो भगवान ने कहा हमारे विषय में क्या सुना भैया, हमारे विषय में तुमने क्या सुना? केवट ने कहा महाराज सुना है वो हम बताना चाहते हैं। तो बोले बताओ जो बताना चाहते हो, जो सुना हो वो कहो। केवट ने कहा सुनो महाराज हम कानन ते यहाँ शोधि पायो, हम कानन ते यहाँ शोधि पायो, तुम ऋषियन का खूब सतायो,
राम कानन ते यह सिद्ध पायो तुम ऋषियन कहा खूब। बड़ी मनमानी के हो महाराज ऋषियन पर, बड़ी मनमानी। मैंने सुना है कि तुमने ऋषियों को खूब सताया। भगवान बोले हमने ऋषियों को सताया। हाँ महाराज आपने ऋषियों को सताया। भगवान बोले ना भैया ऐसा तो हमने कुछ नहीं किया, ऐसा हमने कुछ नहीं किया, किसी ने तुम्हें बका दिया होगा इसलिए तुम ये बात कह रहे हो। अरे हमने तो आज तक किसी को सताया ही नहीं। केवट ने कहा सुनो महाराज बन तप करती करती रघु भी कहा महाराज मैंने सुना है कि आपने ऋषियों को खूब सताया। जिस समय ये बात कही तो भगवान ने कहा नहीं भैया हमने किसी ऋषि को नहीं सताया। केवट ने कहा वन में तपस्या करते करते महाराज संतों की मात्र हड्डियां रह गई लेकिन आपने जाकर के उनको दर्शन नहीं दिया और आपने नहीं सताया। अरे तपस्या करते करते अपने शरीर को जला दिया, अपने शरीर को खाक कर दिया लेकिन महाराज आपने तो अपने सताया नहीं। आज लगे हो महाराज, आज मिले हो प्रभु, आज जब मैं सबका बदला ले लूंगा महाराज आपसे तब जाके आपको पार करूंगा। केवट कहने लगा महाराज जब सबको बदलो कहता है महाराज वन में तपस्या करते करते ऋषियों की मात्र हड्डियां रह गई लेकिन आपने उनको दर्शन नहीं दिया, दर्शन नहीं दिया। केवल एक बार आपका दर्शन पाने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर दिया लेकिन तुमने उनको दर्शन नहीं दिया। आज मिले हो महाराज, आज मिले हो। सत्य सुने अवधेश दुलारे आज गए लगे हाथ हमारे, आज मिले हो महाराज। और आज जब तलक मैं सबका बदला नहीं ले लूंगा तब तलक आपको पार नहीं करूंगा। लक्ष्मण ने कहा भैया ये तुमसे बदला ले कहा
कौन यही का खेत जोत ले रहा है, है? कौन यही की गाड़ी छीन ले रहा है, ये बदला ले कहा महाराज। तो भगवान राम ने कहा भैया खग जाने खग ही की तुम नहीं समझ पाई हो। हम समझ रहे हैं कि भक्त की बात को, भक्त की भावना को मैं समझ रहा हूँ, इसकी बात को मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारी समझ के बाहर है, तुम नहीं समझ सकते। लक्ष्मण जिस दिन इस प्रकार की बातें समझने लग जाओगे ना, उस दिन तो तुम हमारे बराबर हो जाओगे। तो तुम हमसे कुछ ना तो छोटे हो, इसलिए तुम हमारी बात और इसकी बात समझ नहीं सकते हो, इसलिए तुम तो केवल बस सुनते रहो, ये जो कह रहा है सुनते रहो, पर इसकी बात पर कोई टिप्पणी मत करना, इसकी बात पर कोई टिप्पणी मत कर, नहीं तो हम इतना बना करके सब आए हैं और अगर तुम कुछ बोल दिए तो सब एक ही मिनट में चौपट हो जाएगा, इसलिए तुम तो बस बोलना ही नहीं, तुम ना मत बोलना। जब इतनी बात केवट ने कही कि जब सबको बदलो ले ली हो, पीछे से नाथ पारी कर दी हो और तब तक चुप ही खड़े रहो, साकौ डकार ना ले ली हो कहूं, वारे भक्त केवट चुप ही खड़े रहो भगवाना और मांगी नाओ न केवट। तब तलक महाराज चुपचाप खड़े रहो, भगवान बोले अब तो आज तो अच्छे खासे आकर के फंस गए भैया, अब कुछ बोले तो ये पार नहीं करेगा और नहीं बोलते हैं तब भी समय ले रहा है, क्या करें, बोले तो आप तो ना बोले, अब तो इसकी हाँ में हाँ मिलानी ही पड़ेगी क्योंकि गर्ज हमारी है भैया, इसकी थोड़ी है। भैया केवट से कहा भगवान राम ने, भैया ऐसा करो बहुत देर हो गई तुम्हारे घाट पर खड़े खड़े, अब हमें पार कर दो। तो केवट बोल पड़ा, क्या बोला कि चरणों की, महाराज चरणों की रज जादू की भरी मोहि, डर लागे चरणों की रज जादू की भरी मोहि, डर लागे
प्रभु, मैं आपको अपनी नाव पर नहीं बिठा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि महाराज तुम्हारे चरणों में जादू है, तुम्हारे चरणों में जादू है। हमने सुना है महाराज तुम्हारे चरणों में जादू है। भगवान ने कहा, नहीं भैया, हमारे चरणों में जादू नहीं है, किसने तुम्हें बका दिया होगा? बोला, नहीं महाराज, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या महाराज, जो कि पत्थर से नारी बन गई थी। अरे वो तो पत्थर था, उससे नारी बन गई, और हमारी नवैया तो लकड़ी की है, पानी में पड़े पड़े गल भी गई है, कमजोर भी हो गई महाराज। और अगर ये हमारी नवैया जो है अगर नारी बन गई, तो बनाई नारी मेरे पर बनाई नारी मेरे पर पल पल पर सोचेगी कि नाव बेच करके दूसरा विवाह कर लाए महाराज, कितनी समस्या सामने खड़ी हो जाएगी। अब वो तो नहीं जानेगी कि ये तुम्हारे चरणों का कमाल है, तब तो महाराज घर में झगड़ा होगा। और सुनो, अरे एक का तो हम खर्चा नहीं पूरा कर पाते, और जब दूसरी हो जाएगी तो उसका खर्चा कौन देगा? बड़ी बुद्धिमानी की बात बता रहे हो महाराज, एकदम बोल पड़ा के बच्चा। एक का नाथ खवाई न पाए, एक तो खर्चा नहीं पूरा कर पाते हैं, और घर में झगड़ा और बढ़ा, एक का खर्चा नहीं पूरा हो पाता, दूसरे घर में झगड़ा और बढ़ जाए महाराज, ये कहां की बुद्धिमानी है? दूसरी नारी भवन में आई महाराज, दूसरी नारी भवन में आई, सुनाओ, हुई है प्रबल प्रचंड लड़ाई। जब ये घर में जाएगी, और हमारी घर में हमारी पत्नी है, दोनों में बढ़िया महाभारत होगी महाराज, तो हम ये सोच रहे कि हमारे घर में महाभारत ना हो। सुनो महाराज, यह ना रोग लगई भगवान, इस रोग से हमें बचाओ, यह ना रोग लगई भगवान, और मांगी नाव न केवट। केवट ने कहा, महाराज यह रोग से दूर रखो, बाकी सब ठीक है। भगवान राम ने कहा, सुनो केवट, जब तुम्हारे एक से दो नारी हो जाएंगी तो तुम्हें आराम हो जाएगा। केवट ने कहा, महाराज आराम आराम होगी? अरे आराम हराम हो जाएगा महाराज, आराम नहीं होगा।
कैसे आराम होगी प्रभु जरा बता दो। तो भगवान बोले जब एक से दो हो जाएंगी तो एक भोजन बनाएगी, एक बढ़िया ताजा ताजा भोजन परोस के लाएगी। केवट ने कहा महाराज ताजा भोजन तो नहीं मिली, बासी व्यवस्था नहीं है, नहीं मिल पाएगा। अरे मुझे ताजा भोजन खिलाएगी कि सवेरे सवेरे दो चार सुनक मिली है महाराज रोज दो। हमें नहीं चाहिए ताजा भोजन महाराज। अरे सुनो महाराज, हम एक नहीं तुम्हें कई प्रमाण दे दें कि जिनके एक या दो नारी थी या दो से अधिक थी, एक वाले तो महाराज आराम से नहीं रह पाते और दो में महाराज कहां स्थिति बिगड़ जाएगी। अरे जिनके दो या दो से अधिक उनकी क्या स्थिति हुई सुनो महाराज, हम तुम्हें बता रहे। एक राजा थे, ध्यान दीजिएगा भैया, एक राजा थे जिनके दो नारियां थी, ध्यान देंगे, दो नारियां थी। जब छोटी वाली रानी घर में आई तो बड़ी रानी बोली महाराज, वो तो कुछ ना बोली पर छोटी वाली बोल पड़ी। छोटी वाली रानी आई तो उसने कहा अगर ये बड़ी रानी इस महल में रहेगी तो मैं इस महल में नहीं रहूंगी। राजा का काम, राजा ने कहा ठीक है हम तुम्हारे लिए दूसरा महल बनवा देंगे। राजा ने छोटी रानी के लिए दूसरा महल बनवा दिया। जब दूसरा महल बन के तैयार हो गया, छोटी रानी दूसरे महल में रहने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब छोटी रानी जो है राजा को कभी भी बड़ी रानी के घर जाने नहीं देती है, हमेशा अपने घर में रखती है। राजा ने विचार किया कि हम बड़ी रानी के घर कब से नहीं गए और पता नहीं बड़ी रानी किस हालत में रहती हो, बेचारी के घर में कुछ हो या ना हो तो लाओ चलकर के आज देख ले। लेकिन राजा ने ये बात छोटी रानी को नहीं बताई क्योंकि जानते हैं करकसा है, अगर जान जाएगी तो जाने नहीं देगी। इसलिए छोटी रानी से छुप करके आज राजा बड़ी रानी के घर गए। बड़ी रानी के घर गए, दरवाजा खटखटाया, बड़ी रानी ने पल्ला खोल दिया और इधर किसी तरीके से छोटी रानी को पता चल गया कि आज राजा बड़ी रानी के घर गए। वो भी पीछे पीछे लग गए। राजा जाकर के जब कुंडी को खटखटाया, बड़ी रानी ने दरवाजा खोल दिया, महाराज अंदर चले गए। बड़ी रानी के घर में एक टूटी चारपाई थी, उसी टूटी चारपाई पर राजा बैठ गए। बड़ी रानी चरणों के पास बैठ गई और कहने लगी स्वामी आप तो कभी नहीं आते हो, अरे आप कभी कदार तो आ जाया करो, कम से कम घर की स्थिति को तो देख लिया करो, घर में हमारे क्या है क्या नहीं, आप तो आते ही नहीं हो। और ये बात छोटी रानी जो है वो दरवाजे के पास खड़ी खड़ी सुन रही। राजा ने कहा, चुपके से कहा, लेकिन दीवालन के कान होते भैया, दीवालों के कान होते हैं। राजा ने कहा देखो देवी ऐसा है, छोटी वाली रानी जो है वो बीमार रहती है और हो सकता है कुछ दिन में वो मर भी जाए। जब वो मर जाएगी तो हम आया जाया करेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। अब छोटी रानी ने जैसे सुना, अरे राजा हमारे विषय में ऐसा सोच रहे, सामने बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि हम तुम्हें बहुत मानते हैं, ये है वो है ये वो, और अब हमारे पीठ पीछे हमारे मरने का इंतजार हो रहा है। भैया क्या किया, लगाया दरवाजे में धक्का और पहुंच गए अंदर, पकड़ लिया महाराज राजा के हाथों को और खींचने लगी। जब खींचने लगी तो बड़ी रानी ने देखा कि हमारे घर से खींच लिए जा रहे, तो बड़ी रानी ने दौड़ करके राजा के दोनों पैर पकड़ लिए। अब बड़ी रानी हाथ पकड़े है, वो बड़ी रानी पैर पकड़े है और छोटी रानी हाथ पकड़े है। खींचते खींचते देहरी के बाहर आ गई, बड़ी रानी देहरी के अंदर और छोटी रानी देहरी के बाहर है। जब छोटी रानी अपनी तरफ खींचती है तो बड़ी रानी देहरी में पैर लगा देती है, और जब बड़ी रानी अपनी तरफ खींचती है तो छोटी रानी देहरी में। सारी रात बीत गई भैया, लिखा राजई रानी ऐसे जैसे बढ़ई आरा भई, जैसे बढ़ई आरा भई, जैसे बढ़ई आरा भई, जैसे बढ़ई आरा भई, जैसे बढ़ई आरा भई। सारी रात बीत गई, राजा ने सोचा अच्छा किया दो विवाह करके, भगवान एक ही होता तो ठीक था। केवट कहता है महाराज यही दशा हमारी भी करवाना चाहते हो, भगवान बोले तुम्हारी ऐसी दशा नहीं होगी। केवट ने कहा जब राजा नहीं बचे जिनके पास किसी चीज का कमी नहीं, और महाराज हम कहां बच जावे, हमारे तो कुछ नहीं, हर माँ एहन नाव के बल बोलते अपनी पत्नी का पेट पूजा करते हैं,
और महाराज आप कहते हो कि नवैया नारी बन जाए तो ये कहां की बुद्धिमानी है। और सुनो एक बड़ा सुंदर भाव भी किया क्या, दुई जनिया बड़ा दुख दाई हो, दुई जनिया बड़ा दुख दाई हो, कोई न करियो दुई जनिया, पर दुई जनिया बड़ा दुख दाई हो, कोई न करियो दुई जनिया, दुई जनिया बड़ा दुख दाई हो, कोई अलग अलग फरमाइश होगी। एक क्या कहते हैं सुनो, एक कहई हमें कर धनी लई दो, एक कहई हमें कर धनी लई दो, एक कहई दूसरी कहई हमें, हाँ एक कहई हमें मटकनिया, कोई ना करियो दुई जनिया, कोई रामचंद्र भगवान की। ऐसा करो भैया ये बच्चर को तन उठाए दे, इनका पीछे पड़ी है, देखो कैसा हाथ फलकार रहा। हमारा क्या आप हमारी भी यही दशा करवाना चाहते हो? भगवान राम ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारी ये दशा नहीं होगी, तुम्हें तो आराम हो जाएगी। केवट ने कहा महाराज ऐसी आराम हमें नहीं चाहिए, ऐसी आराम मुझे नहीं चाहिए। और सुनो महाराज इतना ही नहीं, और हम तुम्हें प्रमाण दे दें, एक राजा और थे जिनका नाम था चित्रकेत, ध्यान दीजिएगा। केवट ने कहा महाराज सुनो, चित्रकेत गंधर्व सुजाना, चित्रकेत गंधर्व सुजाना भैया। केवट समझा रहा है महाराज, तुम क्या समझ रहे हो कि मैं इतना मूर्ख हूं जो इतना भी नहीं समझ पाऊंगा? अरे जब राजा नहीं बच पाए तो
स्थिति होगी तो आप जान सकते हो, और फिर भी मुझे ऐसे चक्कर में फंसना चाहते हो। अरे हम तो राजाओं की बात तुम्हें बता रहे हैं, एक नहीं और सुना, मैं तुम्हें दूसरा प्रमाण दे रहा हूँ। क्या कहा? बताई गई, लेकिन संतान किसी के नहीं थी। भैया संतान किसी के नहीं थी। जब महाराज चित्रकेतु ने बड़ा पूजा पाठ तप किया, तब जाकर के छोटी वाली जो रानी थी वो गर्भ से हुई, और उस रानी से एक पुत्र का जन्म हुआ। जब पुत्र का जन्म हुआ तो अन्य रानियां जो थी वो विचार करने लगी कि अगर इस रानी का ये पुत्र जीवित रहेगा तो ये राजमाता कहलाएगी, और ये इसका पुत्र राज्य का अधिकारी हो जाएगा, ये राजमाता कहलाएगी, तो हम सब रानियों को इसके अधीन रहना पड़ेगा। मतलब जितना ये कहेगी मुझे उतना करना पड़ेगा, इसका पद हमसे बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्यों ना हम सबका पद बराबर रहे, ऐसा कुछ किया जाए। तो अन्य रानियों ने मिल करके क्या किया, उस बालक को जहर दे दिया। भैया जब बालक को जहर दे दिया, बालक मर गया, महाराज चित्रकेतु फूट फूट कर रोने लगे, और जब रोने लगे तब तक क्या हुआ, नारद बाबा प्रकट हो गए। नारद बाबा प्रकट हुए, चित्रकेतु को रोता हुआ देखा, क्यों रो रहे हो चित्रकेतु? चित्रकेतु ने कहा, महाराज हमारे 101 रानियां होते हुए किसी के संतान नहीं थी, पर छोटी वाली रानी के एक पुत्र का जन्म हुआ तो अन्य रानियों मिलकर के उसे जहर दे दिया, मेरा बालक मर गया महाराज, इसलिए मैं रो रहा हूँ। नारद बाबा ने कहा, राजन अगर तुम अपने पुत्र से बात करना चाहो तो मैं करवा सकता हूँ। हाँ महाराज करवा दीजिए। नारद बाबा ने आत्मा का आवाहन किया, और जैसे ही आत्मा का आवाहन किया, आत्मा आई उस बालक के शरीर में प्रवेश किया, और जब आत्मा शरीर में प्रवेश किया तो बालक जीवित होकर के उठ करके बैठ गया, और जब उठकर बैठा महाराज चित्रकेतु ने उस बालक को अपने हृदय से लगा लिया। बेटा तो मुझे कहाँ छोड़े जा रहा है? अरे तू मेरा अकेला पुत्र है, मुझे छोड़ के मत जा। और जिस समय चित्रकेतु ने इतनी बात कही उसी समय उस बालक ने क्या किया, महाराज चित्रकेतु के हाथ को झटक दिया और जाकर के दूर खड़ा हो गया। जब दूर खड़ा हुआ और कहने लगा, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, न जाने मैं तुम्हारा कितनी बार पुत्र हुआ, न जाने तुम हमारे कितनी बार पिता हुए, न जाने मैं तुम्हारा कितनी बार पिता हुआ, न जाने तुम हमारे कितनी बार पुत्र हुए, ये शरीर नाशवान है, इस पर मोह क्यों करते हो? तो जिस समय इतना कहा उसी समय महाराज नारद बाबा ने चित्रकेतु से कहा, राजन अब तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई होगी। महाराज चित्रकेतु ने कहा, हाँ मुझे ज्ञान मिल गया। उसी क्षण महाराज चित्रकेतु ने अपना राजपाट छोड़ दिया और जंगल को चले गए तपस्या करने। केवट ने कहा, महाराज आप हमारी यही दशा करवाना चाहते हो, यही दशा करवाना चाहते हो, हमको भी घर से बाहर निकलवाना चाहते हो? बोले नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। केवट ने कहा, और सुनो महाराज, इतना ही नहीं और सुनो, नृप उत्तान पाद पग धारा, उत्तानपाद की भी यही दशा रही। महाराज उत्तानपाद की एक नारी थी जिसका नाम था सुनीति, ध्यान दीजिएगा भैया, जिसका नाम था सुनीति। महाराज उत्तानपाद के पास में सब कुछ था लेकिन एक संतान नहीं थी, सुनीति से कोई संतान ना हुई। एक दिन महाराज उत्तानपाद बड़ा दुखी बैठे तो सुनीति कहने लगी, क्या बात है स्वामी, आप इतना परेशान क्यों हैं, इतना दुखी क्यों हैं? तो बोले, देवी क्या करें, हमारी कोई संतान नहीं है,
हमारे कोई संतान नहीं है, एक संतान न होने के कारण मैं दुखी हूँ। आज सुनीति ने जिस समय इतनी बात सुनी तो कहने लगे, स्वामी एक उपाय है हमारे पास, अगर आप वो करो तो हमारे घर में संतान हो सकती है, आपका निर्वंशी नाम मिट सकता है महाराज, इस वंश को बढ़ाने वाला हो सकता है। उत्तानपाद ने कहा कौन सा उपाय है, क्या है? तो बोली महाराज आप दूसरा विवाह कर लो, स्वामी आप दूसरा विवाह कर लो। सुनीति बड़ी सुंदर नारी थी, बड़े ही अच्छे स्वभाव वाली थी, क्योंकि सुनीति को बतलाया गया क्या कि उत्तानपाद की प्रथम प्रिया, उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी। तो पूछा सुनीति ने क्या बात स्वामी, बोले देवी सब कुछ है हमारे पास, अगर कहीं हमारे पास एक संतान हो गई होती तो हमें सर्वस्व सुख मिल जाता, लेकिन भैया सर्व सुख संपन्न कोई भी संसार में नहीं है, कोई ना कोई दुख हर प्राणी को रहता है, जरा विचार करना, कोई ना कोई दुख हर प्राणी को रहता है। जिस समय इतनी बात कही तो सुनीति कहने लगी स्वामी आप ऐसा करें, आप अपना दूसरा विवाह कर लो, जब दूसरा विवाह कर लोगे तो महाराज तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी और तुम्हारा निर्वंशी नाम मिट जाएगा, महाराज आप दूसरा विवाह करो। लेकिन विचार करना भैया किस चीज के बिना क्या सुना है, ध्यान दे किस चीज के बिना क्या सुना है। आज सुनीति रो रही है, रामा कौन बन भोले पपीहा, कौने बिन कोयल, अरे कौने बन कोयल हो रामा कौने बन बोले तेरी आवा तो नींद नाहिया परई हो रामा कहे बिना बोले तेरी आवा तो नींद Oh,
सुनीति रो रही है, परेशान है, कहती है महाराज अपना विवाह कर लो। पर उत्तानपाद कहने लगे, देवी तुम विवाह करने के लिए कहती हो, अगर हमने विवाह कर लिया तो जानती हो तुम्हारी स्थिति क्या होगी। अगर मैंने विवाह किया तो तुम्हारी स्थिति क्या होगी तुमको मालूम है। प्यारी प्यारी शादी करके अरे जीवन भर शादी ना हो, देवी अगर हमने विवाह कर लिया तो ये घर तो आबाद हो जाएगा लेकिन तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी, और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं करूंगा। और इतना कहकर उत्तानपाद वहां से चले गए। अब क्या था भैया, सुनीति बैठी है, रो रही है और कहती है कि प्रभु मुझे धन न देते कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे दौलत न देते कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे राजपाठ न देते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक संतान दे देते, एक संतान दे देते। एकदम रो करके बोल पड़ी क्या कि अरे करतार की नजरिनी बोल पर क्या बोल, और मेरी गोद भगवान की तुमने अगर नदी होती तो मैं पुल बंधवा देती, पर सागर पे पुल नहीं बांधा जाता। अरे अगर सोना होता तो मैं बदला देती, लेकिन ये कोख तो अब नहीं बदली जा सकती, क्या करूं। रो रही है, अपने स्वामी पर कहती है कि आप दूसरा विवाह कर लो। पर उत्तानपाद नहीं विवाह करने के लिए तैयार हुए, लेकिन अंत में सुनीति ने इतना समझाया, इतना कहा, तो महाराज उत्तानपाद विवाह करने के लिए तैयार हो गए। और जब तैयार हुए तो एक सुरुचि नाम की लड़की के साथ में महाराज
उत्तानपाद का विवाह तय हुआ और जिस समय बारात चली है आज सुनीति ने अपने हाथों से महाराज उत्तानपाद को दूल्हा बनाया और उत्तानपाद कहने लगे, देवी आज तो तुम मुझे दूल्हा बना करके विवाह करने के लिए भेज रही हो, लेकिन अगर वो नारी तुम्हारे जैसी ना निकली तो। कहने लगी सुनीति, महाराज मैं उसे अपनी छोटी बहन मान करके रखूंगी, उसकी दिन रात सेवा करूंगी, उसके जो पुत्र होगा मैं उसे खिलाऊंगी, लेकिन महाराज आप विवाह कर लो। उत्तानपाद ने कहा, ठीक है हम तुम्हारी बात पर विवाह तो खेल लेते हैं, लेकिन तुम्हारा जो स्वभाव है अगर उस स्वभाव की वो नारी नहीं निकली, वो रानी नहीं निकली, तो तुम क्या करोगे? बोली कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं। महाराज उत्तानपाद विवाह करने के लिए जिस समय चले, सूरज के द्वारे पर पहुंच गए, जिस समय सूरज के द्वारे पर पहुंचे, सूरज की सखियों ने देखा बारात आ गई तो कहने लगी, मैं जाकर के दूल्हा देखाऊं। आज दूल्हा देखने के लिए चली और इधर जिस समय बारात पहुंची है तो ध्यान दें कि बनरी तेरे द्वारे आयो बना, बनरी तेरे द्वारे आयो बना हो, बनरी तेरे द्वारे आयो बना हो, बनरी तेरे द्वारे आयो बना हो, बनरी तेरे द्वारे आयो बना की आयो बना, आयो बना भैया आयो बना, बनरी तेरे द्वारे आयो बना हो, बनरी तेरे द्वारे शीश बने के मारा सो है, 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 सिर पर सहरा हरायो बना तेरे दार आयो बना हो, बनी तेरे धारे आयो बना हो, विधि विधान के साथ में महाराज उत्तानपाद का विवाह हुआ सुरुच के साथ में, और विवाह होने के बाद में जिस समय विदाई हुई आज सुरुच को लेकर के महाराज उत्तानपाद अपने राज्य को आए, जिस समय अपने राज्य में आए दासी दौड़ करके गई महाराज सुनीति से कहने लगी, चलिए महारानी महाराज विवाह करके आ गए हैं। सुनीति ने बड़ा सुंदर थाल सजाया और थाल सजा करके जैसे गेट के बाहर आई, सुरुच क्या करती अपने डोले से उतर करके बाहर खड़ी हुई, महाराज उत्तानपाद भी खड़े हैं। सुनीति बड़ा प्रसन्न है कि हमारी छोटी बहन आई है, आरती की थाल लिए और जैसे ही सुरुच ने सुनीति को देखा तो महाराज उत्तानपाद से पूछ लिया, क्या महाराज ये कौन है? उत्तानपाद ने कहा, देवी घर चलो, महल के अंदर प्रवेश करो, सब पता चल जाएगा कौन है कौन नहीं है। सुरुच ने कहा, नहीं नहीं मुझे तो यहीं पर बताओ ये है कौन, कौन है ये? बहुत पूछा तो बतलाया उत्तानपाद ने, हमारी हमारी बड़ी रानी है। और जब इतनी बात कही तो सुरुच ने कहा, जब तुम्हारा विवाह हो चुका था तो तुमने अपने साथ में मेरा विवाह क्यों किया, क्यों किया महाराज मेरे साथ इतना बड़ा छल, इतना बड़ा छल क्यों किया? जिस समय ये बात कही उत्तानपाद ने सुनीति की तरफ देखा और कहने लगे, देवी देख लिया तुम सबको अपने हिसाब का समझ रही हो ना। सुनीति तुरंत जाती है और थाल लिया और थाल लेकर के कहने लगी, बहन आप परेशान मत हो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई कष्ट नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मान करके रखूंगी, इसलिए ऐसा कर तुम अब महल के अंदर चलो। और जब महल के अंदर जाने की बात कही तो सुरुच ने कहा, नहीं नहीं मैं तो महल नहीं जाऊंगी, ऐसा करो महाराज हमारा डोला वापस करवा दो क्योंकि मैं इस महल में रह नहीं सकती। जिस समय इतनी बात कही सुनीति कहने लगी, बहने लगी, महाराज हमारे पास 1 किलो जौ का आटा रखा हुआ है, आप भोजन बनाएं और पाएं। जिस समय इतनी बात कही तो भगवान विष्णु ने कहा, नहीं देवी हम भोजन करेंगे तो तुम्हारे हाथ का बना हुआ भोजन करेंगे। सुनीति हाथ जोड़ के बोली, महाराज मैं भोजन तो बना देती लेकिन अगर इन दही के कूड़ों पर एक भी चोंच कौवा मार देगा तो उतना ही हमारा खून निकाल लिया जाएगा।
इसलिए आप भोजन बनाएं और पाएं। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को इशारा किया, देवी क्या देख रही हो, भोजन तो इन्हीं के हाथ का बना हुआ खाना है, पकड़ लो बांस और उड़ाने लगो कौवा। आज लक्ष्मी जी ने बांस ले लिया, उन दही के कोनों पर काग उड़ाने लगी। सुनीति जाकर के भोजन बनाया, तीन थाल लगाए, ब्राह्मण ने भोजन किया। जब भोजन किया, भोजन करने के बाद में जब बैठे तो कहने लगे, देवी हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। सुनीति से बोले, भगवान की हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, मांग लो। सुनीति हाथ जोड़ के बोली, महाराज अगर आप हमसे प्रसन्न हो और हमें कुछ देना चाहते हो तो हमें ये दो कि हमारी सौत के एक लड़का हो जाए। ए भैया जरा विचार करना, क्या भाव था सुनीति का और क्या भाव था सुरुचि का। कहने लगी, महाराज मुझसे अगर आप प्रसन्न हो तो मुझे वरदान दो कि मेरे सौत के एक लड़का हो जाए। भगवान ने पन्ना पलटा और जैसे ही पन्ना पलटा तो बोल पड़े, देवी तुम्हारी सौत के कोई नहीं, हाँ तुम्हारे एक लड़का होगा। सुनीति एकदम बौखला गई, 12 वर्ष हो गए हमने अपने पति का मुख नहीं देखा और आप कहते हो कि हमारे पुत्र होगा, मुझे कलंकित बनाना चाहते हो। भगवान विष्णु ने कहा, नहीं नहीं देवी, ऐसे ऐसे राजा आएगा, तुम्हारे पुत्र लिखा है, मांगो देवी। जिस समय इतनी बात कही तो सुनीति बोल पड़ी, महाराज अगर हमारे पुत्र लिखा है और मांगने की बात आप करते हो तो मुझे यह वरदान दो कि हमारे साथ साथ मेरी सौत के भी एक लड़का हो जाए, मेरी सौत के भी एक लड़का हो जाए। ए भैया जरा विचार करना, केवट कहने लगा, महाराज आप हमारी भी यही दशा करवाना चाहते हो, आप मेरी भी यही दशा करवाना चाहते हो, इसलिए महाराज यहुना रोग लगाई मगवा, यहुना रोग लगाई भगवाना, मांगी ना हो ना के रोग से हमें दूर रखो, हमें ये रोग ना लगे। भगवान शंकर माँ भगवती से बोले, देवी इसीलिए केवट अपनी नाव नहीं ला रहा। आज भोले बाबा ने भगवती को दूसरे प्रश्न के तीन कारण बतलाते हुए उत्तर बताया है। भोले बाबा कहने लगे, देवी तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया कारणों के समेत। भवानी बोली, हाँ महाराज मिल गया। अब एक प्रश्न बचा है, कौन सा? केवट कहता है भगवान राम से कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। तो आइए देखते भैया कि ये केवट भगवान राम का मर्म क्या जानता है।